अब हम बात करेंगे एक और सवाल की, क्योंकि सर्वे के दौरान ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण, जब हमने पूछा तो क्या कुछ कहा गया जनता की तरफ से, सवाल दरअसल विकास से जुड़ा हुआ है। सवाल है गोरखपुर एम्स से जुड़ा हुआ कि गोरखपुर एम्स से बीजेपी को पूर्वांचल में क्या फायदा होगा, क्योंकि पूर्वांचल एक बड़ा गढ़ नजर लगातार सभी की बनी होती है, लेकिन गोरखपुर एम्स से क्या बीजेपी को पूर्वांचल में फायदा होगा। तो देखिए 58% लोग हाँ कह रहे हैं कि हाँ होगा बीजेपी को फायदा 58%, लेकिन 42% लोगों का ये मानना है कि कोई फायदा नहीं होगा, गोरखपुर एम्स से बीजेपी को पूर्वांचल में फायदा होगा। लेकिन फिलहाल ये आंकड़े कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि फायदा होगा। अब चलिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं, रणवीर के पास हम चलेंगे, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, पूर्वांचल में फायदा किसे, नुकसान किसे, गोरखपुर एम्स से जब जुड़ा हुआ सवाल हमने पूछा सर्वे में, तो ज्यादातर मानते हैं कि बीजेपी को फायदा होने जा रहा है। आप भी जरा बात कीजिए, क्या कह रही है जनता। बिल्कुल, विकास की बात है और बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, आपसे पूछूंगा पूर्वांचल एम्स बनाया और उसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, कितना फ़ायदा मिलेगा चुनाव? निश्चित तौर पे बहुत ही फायदा मिलेगा। जिस प्रकार से स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था, बाकी सरकारें अभी तक ध्यान नहीं दे रही थी, जब से यूपी आज़ादी के बाद से सिर्फ 15 मेडिकल कॉलेज बने थे, अब जाके वो 23 मेडिकल कॉलेज केवल योगी जी की सरकार में उनका लोकार्पण शिलान्यास हो चुका है। इस तरह की तमाम योजनाएं हम लोगों की तरफ से फायदा मिलेगा आपको। निश्चित तौर पर फायदा, आप बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य करती आई है वो सब बहुत ही अच्छे तरीके कर रही है, और आगे भी जो कार्य कर रही है उसके लिए भी बहुत अच्छा कार्य करेगी वो। अच्छा, कुछ जरा ऐसे लोगों से पूछते हैं, आम लोगों, आप बताएं भैया, आपको क्या लगता है कि एम्स का उद्घाटन किया बीजेपी ने, फायदा मिलेगा बीजेपी को इसका चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किस बात का फायदा मिलेगा? मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है, मैं लखनऊ से हूँ, नौजवान हूँ, राजनीति में भी सक्रिय हूँ, लेकिन बात अगर मोदी जी और योगी जी के कामों को किया जाए तो हम कोरोना का वो समय भी याद करते हैं कि वो एम्स कहाँ थे, ये अस्पताल कहाँ थे, ऑक्सीजन कहाँ थी, जब हम सड़कों पर ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे तब कहाँ थे मोदी जी का ये? इनके बात सुनिए, नहीं सुनिए, सुनिए आगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे रहता था और समाजवादी पार्टी घर के अंदर सोने का काम करते थे। अध्यक्ष से लेके महानगर अध्यक्ष को, चाहे लखनऊ का कार्यकर्ता हो, वो सड़कों पर था और माननीय अखिलेश यादव जी सफाई के अंदर मुझे करवाने का काम करते थे, और भगवान राम के नाम से दिक्कत होती थी। अखिलेश यादव जी भगवान राम का नाम लेते और इससे पहले क्या उन्होंने ये चिल्लाकर झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। मैं भाजपा के समर्थक से कहना चाहता हूँ, भाई आराम से बात करो, झूठ बोल रहे हो, हम लोग को भी पता है, सच धीरे भी बोला जा सकता है। ये बात बताइए, पूर्वांचल एक्सप्रेस में गोरखपुर एम्स तमाम सारी आप क्या कर रहे हैं, एम्स बनने से फायदा होगा बीजेपी को? एम्स बनने से 5 साल बीत गया और मोदी जी को 7 साल बीत गए, देश में भुखमरी की स्थिति है, देश में जो है लाचारी की स्थिति है। आज देखिए, खाना ना खाना ना खा के आयो कि नहीं तक भैया, मैं आपको बता दूं, जहां तक कि कोरोना की बात कर रहे हैं वहां मैं आपको बता दूं, मैं स्वयं 2 बार कोरोना पॉजिटिव हुआ हूं। 15 अगस्त 2020 में मैं पॉजिटिव हुआ था, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में एडमिट हुआ था, और मुझे सरकार आपको जानकारी भाई ये बताइए योगी जी इन सड़कों पर घूम रहे थे, तुमको जानकारी नहीं है? भाई साहब, एक उत्तर प्रदेश एक समय था कि जब सफाई में जिस तरह से, देखिए मैं स्पष्ट कहता हूँ, उत्तर प्रदेश पहले जाना जाता था सफाई में नाच के लिए, जहाँ तमंचे पे डिस्को हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश में ये भुखमरी की बात कर रहे हैं जिस समय मुजफ्फरनगर के दंगे उत्तर प्रदेश में हो गए थे, उस समय अखिलेश यादव सफाई में नाच रहे थे, यह था जिनका दंगा, अखिलेश जी सफाई में नाच करवा रहे थे। और यो बाबा गोरखनाथ मंदिर में क्या हो रहा था, सफाई में नाच रहे थे के अंदर। मैं उनसे उन महानुभाव से मेरी बात, अपने काम का हिसाब नहीं देंगे, बस चिल्लाना आता। देखो 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 सच देखो देखो
ये भाजपा का, ये भाजपा का संस्कार है, ये भाजपा एक सिर्फ एक मात्र एक्सप्रेसवे बना के पूरे 5 साल गाते रहे, उसका भी उद्घाटन माननीय योगी जी की सरकार ने किया। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, आज का टेनी क्या है, आज का टेनी क्या है, टेनी क्या है, टेनी क्या है, हथियार है, किसानों का अति का मत का हथियार है, अंधारी कौन है, हथियार है, अंधारी नहीं, इस तरह नहीं, किसानों का हथियार है, बजट का पति कौन है, बलात्कार है, बता आराम से, आराम हमारी पार्टी में नहीं, अजय मिश्रा कौन है, चूलम जो है कब पसंद है, और कहां पर तक कब कौन है, बलात्कारी कुलदीप दिदेगर कौन है, गुंडा राज समर्थक है, इस तरह से समर्थक है और समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं। तो ये चुनाव है और चुनाव में जैसे जैसे मुद्दे बढ़ेंगे, बयानबाजियां बढ़ेंगी, रिएक्शन कुछ सड़कों पर बिल्कुल। देखिए जो टक्कर हम आंखों में देख रहे हैं वही हम जमीनी आपकी ग्राउंड जीरो पर भी वही देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एसपी और बीजेपी जो है वो आपस में कई मुद्दों को लेकर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा, अब हम मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। दिबांग और साथी प्रदीप जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, हमने देखा, देखिए ग्राउंड जीरो पर तो कई मुद्दों को लेकर माहौल गर्म है, लेकिन बात क्योंकि मैं इसकी कर रही थी कि पूर्वांचल में किसे फायदा होने जा रहा है, गोरखपुर एम्स का जिक्र कर लें, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, फायदा होता दिख रहा है आपके नजरिए में क्या है, बीजेपी को फायदा मिलेगा इन तमाम चीजों से, चाहे धर्म हो चाहे कर्म हो? देखिए, अभी जो हम लोग बातचीत सुन रहे थे वो तो हाईली पोलराइज्ड दोनों पक्षों के जो है समर्थक, वो आम मतदाता के रूप में उनकी राय के रूप में उसको शायद देखना मेरे ख्याल से बहुत सही नहीं, एक बात। दूसरी बात, कोई भी विकास का कार्य इतना बड़ा अगर एम्स बना है तो उसका फायदा होगा ही लोगों को, नेपाल से कहां कहां से, आसपास के जिलों से, बिहार से लोग आते थे गोरखपुर में इलाज के लिए। एक समय जो जापानी बुखार जिसको कहते थे बच्चों में, इंसेफ्लाइटिस जो होता था, उससे हजारों की संख्या में हर साल मौत होती, स्थिति सुधरी है तो वो मौतें लगभग नहीं के बराबर हो गई है, 3-5% रह गया है। तो कोई भी डेवलपमेंट का काम होगा तो उसका फायदा होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग डेवलपमेंट के मुद्दे उठा रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो उस जो उनकी जिंदगी में असर डालता है, तो इस तरह का जो ये जो माहौल बना है, ये जो एक परंपरा बनी आ रही थी, सोच बनी आ रही थी कि विकास के काम से फायदा नहीं होता, विकास के काम से जो है वोट नहीं मिलते, वो राजनीति बदली है, लोगों की एस्पिरेशन बदली, क्योंकि लोगों को समझ आ रहा है कि विकास यानी उनके लिए रोजमर्रा की चीजें हो, चाहे उनकी तरक्की की चीजें हो, कौन आखिर उनके साथ खड़ा होकर काम कर रहा है, और ये जनता बहुत अच्छे से जानती है। ठीक है, ABP News, आपको रखे आगे।